नहीं देखा कुछ लोग देखे होंगे कुछ लोग नहीं देखे होंगे। एनीवे मैं इस कॉलेज में 2012 तक यहाँ कॉलेज में था। मैं 13 साल यहाँ सर्विस किया। 13 साल के बाद मैंने यहाँ से फिर रतलाम चला गया और सर्विस के बाद ये उस समय हमारा मेरा ड्रीम था इस कॉलेज में एनसीसी का स्थापना हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन नॉट मेटेरियलाइज, क्योंकि बहुत सारे सरकारी का मैन पावर जो भी इंचार्ज लेने का तैयार नहीं था, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स काम करते थे। सर का मेहनत सर को तो जानते हो करने तो सर का मेहनत और जो भी उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया बहुत अच्छे काम इस महाविद्यालय में प्रारंभ हुआ। बट एनसीसी के रूप में एनसीसी इटसेल्फ इज ए सिंबल फॉर द यूनिटी एंड यूनिटी एज वेल एज द डिसिप्लिन, है ना। मैं भी एनसीसी मैं आपको मेरे को देख के बता सकते हैं आप मैं एनसीसी में हूँ कि नहीं बता सकते। मेरे को डिसिप्लिन जनरली सिखाया जाता है, है ना। और यूनिटी उसी के साथ साथ जब डिसिप्लिन में आप रहेंगे तो यूनिटी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो व्हेन जब बहुत सारे वॉलंटियर्स इस प्रकार के आपके पूरा ज्वाइन करते जाएंगे देश में अपन पूरा अखंडता को दिस वॉज द वन रीजन वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। ये पूरा इसका एस्टेब्लिश किया गया। हम चाहते हैं आप यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई किसी प्रकार का मतलब डर नहीं है। सब मिलकर अपन इस दे मतलब कॉलेज तो ही कॉलेज के साथ साथ पूरा समाज को अपन बिल्टअप करेंगे या निर्माण अच्छे से निर्माण करेंगे। देश की अखंडता देश का एक आप अच्छा नागरिक बनने का एक मौका मिलेगा। और मैंने कल परसों देख रहा था आपको हमारा जो मेजर साहब मैं बैठ कर आप मुझे देख रहा होंगे अब कब कुछ बातें मेरे को पिंच होता है। मैं आप सबके सामने सर के सामने भी शेयर कर रहा हूँ। सर हमारा अग्रज है सर अच्छे से डंडा से मार रहे थे कभी रोज़ पर जब भी प्रोग्राम होता लगते ना सर। यदि एक गुरुजी एक प्रिंसिपल आपके टीचर या मम्मी पापा जब आपके गुस्से में बोलते आप उल्टा कैसे क्यों जवाब देते कभी आपने सोचा। आपको जन्म दिया आपके मम्मी पापा ने, पैसा खर्च करके आपको पढ़ा रहा है बड़ा कर रहा है, मम्मी के पापा के खिलाफ तो बोलते हो, यहाँ क्यों नहीं बोले सर को, ये डिसिप्लिन क्यों नहीं सीखा घर पर। ठीक उसी प्रकार कॉलेज में जब आते हो एक टीचर आपको बोलता है बेटा ये काम कर, अरे तुम जानते हो नहीं मेरे को मेरा पुराना आँख है मेरा गुरु है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। सो आप लोग मतलब आप रियलाइज कर रहे हो इसको मैं सामने क्या कर रहा हूँ, मेरे सर के सामने या मेरे पेरेंट्स के सामने मेरे बड़ों के सामने। यही तो है आप कैसे सिखा रहे हैं जो आपको यूनिटी और डिसिप्लिन के बारे में। जब आप इस प्रकार आप आपके मन में सब पूरा उतारोगे यू विल बिकम द जम एक आपका रत्न बनोगे इस देश के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसी प्रकार का ट्रेनिंग लेकर इस महाविद्यालय का सी सर्टिफिकेट तो आप जितना मेहनत करो तो मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि एक आध जाकर राष्ट्रपति के परेड में ग्राउंड में शामिल हो अगले 26 जनवरी या 15 अगस्त। ये मेरा विशेष है। थैंक यू सर।